नहमाया की पुस्तक अध्याय 13। नहमाया की पुस्तक अध्याय 13। कुरीतियों का सुधारा जाना। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी व मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इसराइलियों से भेंट नहीं की, वरन विलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष से बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इसराइल में से मिलीजुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। इससे पहले इल्याशीब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था, उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्नबलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी, और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबिल के राजा अर्तक्षत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कितने दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि इल्याशीब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर क्या बुराई ही की है। इससे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्नबलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया था और इस कारण काम करने वाले लेवीय और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे और मैंने भंडारों के अधिकारी शेलेम्याह याजक और सदोक मुंशी को और लेवियों में से पदायाह को और उनके नीचे हानान को, जो मतन्याह का पोता और जक्कूर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं, उन्हें मिटा न डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में कितनों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गधों पर लादते थे। वैसे ही वे दाख मधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में ले आते। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली? तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इसराइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते हो। और जब विश्रामवार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटक के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाए और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्रामवार के पूरे होने तक खुले न जाए। तब मैंने अपने कितने सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्रामवार को कोई बोझ भीतर आने न पाए। इसलिए
व्यापारी और भांति भांति के सौदे के बेचने वाले यरूशलेम के बाहर दो एक बेर टिके। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम लोग फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अश्तोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी, और उनके लड़के बालों की आधी बोली अश्तोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कितनों को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए। उनको परमेश्वर की शपथ खिलाई कि हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे और न अपने लिए व अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। क्या इसराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? तो भी बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इसराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? और एल्याशीब महायाजक के पुत्र योदात का एक पुत्र होरोनी संबलत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। हे मेरे परमेश्वर, उनकी हानि के लिए याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा का तोड़ा जाना स्मरण रख। इसलिए मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेवियों की बारी और काम ठहरा दिया। फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विषय समय ठहरा दिया और पहली पहली उपज देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर।